यूपी के फतेहपुर जिले में लेखपाल की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां पीड़ित मां की मौत के बाद विगत एक साल से विरासत कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन लेखपाल द्वारा मां के मौत के बाद भी उसे जिंदा दिखाकर काम के एवज में 9000 रिश्वत की मांग कर रहा है और पीड़ित द्वारा रिश्वत न देने पर वो गलत रिपोर्ट लगाकर अधिकारियों को भी गुमराह कर रहा है। वही पीड़ित ने तहसील दिवस में डीएम के सामने पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है, जहां डीएम ने जांच के बाद दोषी लेखपाल पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। वीओ फतेहपुर जिले के सदर तहसील क्षेत्र के मलाका गांव में तैनात लेखपाल की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पीड़ित नथुलाल का आरोप है कि उसकी मां महरनिया देवी की 18 अप्रैल 2021 को लंबी बीमारी के चलते मौत हो चुकी। ये मामला तहसील दिवस के माध्यम से एसडीएम के संज्ञान में आ गया है और इसकी पूरी रिपोर्ट लेकर जांच करके कार्रवाई निश्चित रूप से एक दो दिन के अंदर ही। माफ़ी चाहें, हमारी माता जी ख़त्म हो गई थी एक साल पहले, तो हमने जो है वरासत के लिए नेपाल साहब के यहाँ गए, लेकिन वो वरासत करने को नहीं कर रहे। हमने जब नहीं सुना तो हमने प्रार्थना पत्र देना शुरू कर दिया, तो प्रार्थना पत्र हमारा एक और था, तो उसने फाइल फाड़ के फेंक देने का तहसील में वो किया, वाह चल रहा था, तो उसने नहीं किया। जब नहीं किया तो हमने प्रार्थना पत्र दिया, उसमें रिपोर्ट ये लगा कि उनकी माता जी जिंदा हैं, जबकि हम प्रधान जी के लिख के दे रहे हैं कि उनकी माता जी ख़त्म हो गई हैं, और माता जी ख़त्म हो गई हैं, और सेक्रेटरी साहब बना के दे रहे हैं कि माता मृत प्रमाण पत्र की ख़त्म हो गई हैं, लेकिन नहीं माना। जब नहीं माना तो हम डीएम साहब के यहाँ सब कुछ दे रहे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ देने के बाद भी नहीं किया। डीएम ने क्या कहा? डीएम ने 5 दिन के अंदर जो है कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कितने पैसे की डिमांड करता था लेखपाल? 639,000। 9,000। क्या नाम लेखपाल का? विवेक तिवारी। कितने दिनों से भड़क रहे हो आप? हमको साल भर हो गए सर, रसद नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? नथुलाल सच्चा।